Hello, what's up guys? My name is Vinod Badru Thapa and today in this video we will see the secrets behind 5173. जी हाँ गाइस, तो हैव यू एवर वंडर्ड कि वेट ने क्यों अपना पोर्ट नंबर 5173 चुना? क्योंकि इन जनरल अगर हम पोर्ट नंबर की बात करते हैं, स्टार्ट होता है फ्रॉम 3000 सीरीज, इवन रिएक्ट एंड देन नेक्स्ट का उनका 8000 सीरीज से स्टार्ट होता है 8080, बट वेट ने आउट ऑफ द बॉक्स ये कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है 5173. एंड 5173 अगर आप ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लेते हो तो देन नेक्स्ट विल बी 5174. तो ये कैसे हो रहा होगा? तो गाइस अब आप एकदम रिलैक्स कीजिए. आपके मन में भले ही ये बात आई हो या ना कि 5173 क्यों चुना गया, लेकिन आज इस वीडियो देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा. एंड देन जो थर्ड वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें तो और ज्यादा मजा आने वाला है. तो गाइस मैंने बहुत सारे ऑफिशियल साइट्स, ब्लॉग्स, इवन चैट जीपीटी से भी मैंने पूछा, एंड जिसमें से सबसे पहला मुझे रीजन ये पता चला कि दे डोंट वॉन्ट कन्फ्लिक्ट्स या कन्फ्यूजन. उनको कन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहिए, क्योंकि इन जनरल 3000 से स्टार्ट होता है, मोस्टली 8000 के सीरीज से स्टार्ट होती है, तो उनको कन्फ्यूजन हो सकता है रिएक्ट नेक्स्ट का 8080 है ना. तो वैसे ही वेट का भी अगर 8060 या कुछ ऐसा अगर सपोज हो जाता, देन कन्फ्यूजन हो सकता था, अरे यार ये रिएक्ट का है, ये नेक्स्ट का है, किसका है ये. तो वहीं पर ही वेट ने आउट ऑफ द बॉक्स 5173 खत्म. सो कन्फ्लिक्ट्स ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, फर्स्ट रीजन ये था. सेकेंड रीजन था गाइस यूनिकनेस एंड देन मेमोरी. क्योंकि गाइस हर जगह पे अगर आप समोसा देखोगे तो वो एक ट्राइंगल शेप में होता है, लेकिन कोई अगर आपको स्क्वायर समोसा दे दे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जिंदगी में नहीं भूलोगे यार उस जगह पे मैंने पता है एक स्क्वायर वाला समोसा खाया था. यूनिकनेस है वो समोसा ही है, वो आपका आटा ही, आटा तो क्या होगा, मैदा, बट उन्होंने जस्ट उसका शेप डिफरेंट कर दिया थोड़ा हटके दिखाने के लिए. तो वैसे ही वेट को चाहिए था गाइस मेमोरी एंड यूनिकनेस, ताकि लोगों के मन में एक बार फिट बैठ जाए, अरे 5173 ये 5 से कहां से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो. तो थर्ड वन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी अगर आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, इवन वेट ने जो वेट जब उन्होंने ऑफिशियली 5173 बनाए, उन्होंने भी ये किया हो या ना किया हो कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी ऑफिशियल साइट्स पे इसके बारे में नहीं बताया गया. बट इन रियलिटी तो ध्यान से देखिएगा गाइस, आपका ये जो 5173 को अगर आप देखोगे यू नो लेटर्स के फॉर्मेट में, तो ये कुछ पता कैसे बनता है आपका, ये बनता है आपका SITE, जो कि क्या बना आपका साइट. साइट मतलब वेबसाइट, हम वीट के थ्रू मोस्टली साइट्स क्रिएट करते हैं, तो SITE 5173. तो ये तो एक तरीका हो गया आपको रिमेम्बर याद रखने के लिए. एंड सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज देखो 5173 में अगर 5 को आप एस मानते हो तो नाउ इट्स बिकम योर साइट. बट वहीं अगर हम ये जो 5 है, एंड इन रोमन नंबर हम 5 को कैसे दिखाते, विद द हेल्प ऑफ वी. तो अगर अब हम 5 को सिर्फ रोमन नंबर पे कन्वर्ट कर दें, बाकी सबको एज इट इज ITE रखे, देन क्या बनता है ये, इट बिकम्स योर VITE, वीट. वीट का अपना पोर्ट नंबर ही वीट है, समझ रहे हो. सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, थोड़ा बीमार हो गया मैं इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा, बट फाइनली आज 23 है राइट, 24 एंड देन 25 से हमारा रिएक्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है. चाहे कुछ भी हो जाएगा इस स्टार्ट जरूर होगा, बीमार हो जाऊं या जो भी हो स्टार्ट जरूर होगा. बट मैं आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा. एंड अगर आपके पास कोई और एक्चुअल रीजन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा. एंड आप रिएक्ट सीरीज के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा. एंड अगर आप एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर. एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा. नेक्स्ट टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 7 लाइक सब्सक्राइबर, आई नो आप कर सकते हो. और गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर.